Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. I hope you all are doing fine. And आप लोग टाइटल से पढ़ चुके हो कि आज का वीडियो क्या होने वाला है. तो coincidentally this happened and this video became a लोरी special video क्योंकि आज लोरी के दिन मैं अपलोड करने वाली हूँ. आज ही शूट कर रही हूँ, सब कुछ आज ही हो रहा है. But it will be a perfect video, something new जो मैंने अभी तक चैनल पे नहीं किया है. तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा. तो आप लोगों ने टाइटल से जैसे पढ़ा है, दिस विल बी एन आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियो. मैंने ये वाला वीडियो पहले कभी भी नहीं किया, मेरा बहुत टाइम से मन था बट फॉर सम और द अदर रीजन मैं नहीं कर पा रही थी. इग्नोर माई चिप नेल्स, आई एम गोना फिक्स इट टूडे. मैं बहुत ज्यादा बिजी चल रही थी कुछ दिन से. बट येस, मुझे पंजाबी सूट बनाना था बेसिकली. तो पहले मैं अपने लिए बनाने का सोच रही थी बट देन मैं उतना ज्यादा इंडियन वेयर यू नो रीवेयर नहीं कर पाती, मुझे उतने अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती. तो आई थॉट कि मम्मी के लिए बना लेती हूँ एंड देन उसी में यू नो कभी मुझे पहनना रहेगा. वीडियोस वगैरह के लिए मैं मोस्टली इतने हैवी सूट्स पहनती हूँ तो मैं फिटिंग करा के भी पहन सकती हूँ. सो दैट मेड मोर सेंस. ऑल्सो दिस आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वुड बी अंडर अ बजट एंड इस बार मैंने आपको बजट दिया अंडर ₹1000. ऑल्सो टू बी केप्ट इन माइंड दैट माई मॉम इज गोइंग टू स्टिच द आउटफिट, ऑब्वियसली मुझे स्टिचिंग के चार्जेस नहीं देने. सो दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर मी. सो येस, अगर आप एक्साइटेड हो तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखना. एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग. एंड विदाउट एनी फर्दर ब्लैबरिंग लेट्स जस्ट डाइव राइट इन द वीडियो. ओके, सो टू डू दिस आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच, सबसे पहला जो हमारा स्टेप था वो डिसाइड करना था कि क्या हमको बनाना है एंड यू नो हैविंग एन इंस्पिरेशन टू नो एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू मेक. तो मैंने डिसाइड किया था, जैसे मैंने बताया, आई वांट टू मेक लाइक अ पंजाबी सूट, अ पटियाला सूट. एंड मैंने पिंटरेस्ट पे काफी सारे ऑप्शंस देखे थे एंड देखते देखते मुझे काफी सारे अलग अलग भी डिजाइंस पसंद आने लग गए थे. तो दीज वर ऑल द फोर पिक्चर्स आउटफिट्स जिनके टूवर्ड्स मैं इंक्लाइन हो रही थी. बट देन आई एंडेड अप पिकिंग दिस वन बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सा था एंड बिकॉज मेरी मम्मी घर पे ही यू नो अपने कपड़े हमारे खुद ही स्टिच कर लेती है, शी इज वेरी गुड एट दैट. बट उन्होंने काफी टाइम से छोड़ दिया था तो मुझे थोड़े सिंपल से स्टार्ट करना था कि एकदम से यू नो शी वोंट ओवरबर्डन. तो इसीलिए आई चोज दिस पटियाला सूट एंड आई एनीवेज लव पटियालास. तो इसीलिए मैंने ये वाला चूज किया था एंड मुझे इसका कलर स्कीम भी बहुत अच्छा लग रहा था, लाइक येलो एंड हॉट पिंक, इट वेंट सो ब्यूटीफुली वेल टुगेदर. सो नाउ दैट द इंस्पिरेशन पिक्चर वॉज डन एंड आई न्यू कि मुझे ऐसा एक आउटफिट बनाना है, सेकेंड स्टेप वॉज टू सर्च फॉर द फैब्रिक. एंड टू सर्च फॉर द फैब्रिक मैं एक नई मार्केट भी एक्सप्लोर करना चाहती थी साथ में. तो आई वेंट टू द कतरन मार्केट पीरागढ़ी, नियर पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन. तो फिर हम लोग वहां पे गए थे. आई कुडंट व्लॉग मच बिकॉज डम मी, मेरे फोन में बैटरी नहीं थी जब हम वहां पहुंचे. बट आई हैव अ फ्यू क्लिप्स हियर एंड देयर सो आई विल अपलोड देम नाउ. मेरा तो मन पिंक और येलो का ही है. आपको पसंद आ रहा है ना वो कलर? ये कपड़ा देखो, ये किस रेंज में? 400 अगर मैं प्लेन साटन रेड कलर की है, येलो कलर की और एक नंबर का मिलेगा ये 200 तो मैं आपको ये कैसा लग रहा है? ये वाला कुर्ते के लिए, वो वाला येलो देख, दूसरा वाला या ये वाला देख, या तो वो वाला देख, कोने वाला कलर का कोई है नहीं, कोई और कलर भी देख सकते हो. हाँ येलो वाला, वो वाला वो दिखाना, वो लास्ट कोने वाला. पर इसमें लखनऊ में कुर्ते अच्छे लगते हैं, इसमें पटियाला नहीं उतना अच्छा. नहीं इसमें पटियाला नहीं, पटियाला के लिए वो तो वो है ना चिकनकारी के लखनऊ कुर्ते, तो देख ले भी लखनऊ. हम इसमें फिर पिंक पजामा बना सकते हैं, येलो और पिंक का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा. और ये जैसे कपड़ा ऐसा है ना तो आप दुपट्टा उतना भारी नहीं भी लोगी तो भी चलेगा. ये वाला आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है? ये आड़े में बनेगा बस, एक फैब्रिक बोला. और ये कितने रुपए मीटर है? ये भी यही 80, वही कहाँ पर लगा? अच्छा वही वाला 60. तो ये जमेगा इस पे क्या? आपको क्या लगता है? आप पे नेट मुझे दुपट्टे के लिए चाहिए, पोल का डॉट में नेट होगा? नहीं होगा मेरे पास, डायमंड. अच्छा अच्छा
क्या रेट है वो? तो येलो मिल जाए, कलर वाइज मिल जाएगी। दिखाओ। मेरे पास नहीं। अच्छा आगे मिल जाएगी। रेट क्या है वो? इसका कितना? 60-80 200 अब ये चीज देखो, ये हमारी पूरी पोजीशन है और यही हमारी जैकेट है। किस रेट में वैसे ये प्लेन नेट? 40 रुपए मीटर। अच्छा ये कितने का मीटर है? हाँ ये वाला, इसमें मम्मी अपने मैच कर लेना। नहीं प्लेन नेट है 40 का। नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, वो भूटी वाला चाहिए जैसे आपने वो निकाला था ना मम्मी। हाँ इसको जोड़ना एक बार अपने उससे, यही रंग है ना, थोड़ा अलग लग रहा है। गोल्डन में ले रहे हो, सिल्वर में ले रहे हो? ये देखो गोल्डन में। अभी हम लोग अपना कपड़ा लेके आ गए हैं 625 का। मुझे लाइनिंग कुर्ते का कपड़ा और पजामे का कपड़ा तीनों ही मिल गया। तो यस दैट वाज आवर आउटफिट फैब्रिक शॉपिंग। इट वाज अ वेरी वेरी गुड डील फॉर मी बिकॉज आई वांटेड टू हैव दिस आउटफिट अंडर अ बजट ऑफ 1000 रुपीज। एंड यस 685 वॉज रियली रियली गुड। ऑल्सो जब हमने पूरा फैब्रिक देख लिया था तो उसके बाद आई वॉज सर्चिंग फॉर अ नेट वाला फैब्रिक विद यू नो पोलका डॉट्स एंड मैं उसमें मोटी चौड़ी सी लेस लगा के आई वॉन्टेड टू मेक लाइक अ ब्यूटिफुल हैवी दुपट्टा। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि नेट का फैब्रिक मुझे मिला बट देन जो भी लेस मुझे पसंद आ रही थी ज्यादा पसंद आ नहीं रही थी, बट जो एक दो मुझे पसंद आई वो मतलब बहुत महंगी पड़ रही थी। लाइक अगर मैं पूरे दुपट्टे के लिए अपनी लेस लेती तो वो लेस ही लेस मुझे समवेयर अराउंड 800-1000 रुपीज जा रहा था एंड आई वॉज लाइक इट डिड नॉट मेक सेंस कि मेरा पूरा कपड़ा 685 का एंड देन आई बाय दुपट्टा एंड लेस फॉर यू नो मोर देन 1000 रुपीज एंड एनी वेज इट वुड नॉट फिट माई बजट फॉर दिस वीडियो। सो आई स्किप्ड ऑन इट एंड देन मैं बहुत ज्यादा थोड़ा स्ट्रेस में थी एंड आई वॉज प्लानिंग टू बाय लाइक अ रेडीमेड दुपट्टा विच वुड गो वेल विद दिस। बट ये वाला जो पिंक था ना ये वो ट्रेडिशनल हॉट पिंक नहीं था तो एकदम से कोई भी कलर इससे मैच कर नहीं रहा था तो मुझे मार्केट में कोई दुपट्टा नहीं मिला। देन आई थॉट कि मैं मीशो से मंगा लूंगी, थोड़ा लेट हो जाएगा मीशो या अमेजोन से। बट देन आई रिमेम्बर्ड कि मेरी मम्मी के पास एक पुराना सूट था जो सूट अब पता नहीं कहाँ है, शी डज नॉट वेयर दैट सूट एनी मोर। बट उस सूट में एक दुपट्टा था, आई लव दैट दुपट्टा एंड द मोमेंट आई मैच दैट दुपट्टा विद आवर फैब्रिक इट वॉज अ परफेक्ट मैच मेड इन हेवन। तो आई वॉज सो एक्साइटेड कि हमें पुराना एक दुपट्टा भी रिसाइकिल करने को हो गया एंड इट फिटेड सो ब्यूटिफुली, मतलब कि पूरा लुक टाई टूगेदर हो गया उस दुपट्टे के साथ एंड यस सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। एंड देन माई मॉम स्टिच्ड द आउटफिट। देखो नीचे से तो मुझे फुल पटियाला चाहिए, देखो मतलब कि ऐसे जो पटियाला नीचे से जिसकी वो कम होती है ना, समझ गई, पैसे वाला सिलना वो अच्छा दिखता है और उसमें आप ऐसे चौड़ा सा वो रखना, चौड़ा थोड़ा, ठीक है ना, और इसमें ना बहुत सारे वो डालना, मतलब फुल पटियाला, समझ गई ना, बेसिकली मतलब थोड़ा ना चौड़ा बनाना, मतलब बताती हूँ ऐसे करके स्वीट हार्ट नेक बनाओ और ये वाली जो चौड़ाई है ना ये थोड़ी सी ज्यादा रखना, क्या कहती हो? अच्छा लगेगा इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे, है ना, फिर ये यहाँ पे यूं और यूं, क्या कहती हो? पाइपिंग, और यहाँ पे आधा इंच करीब का पिंक कलर का कपड़ा लगाना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ज्यादा मोटा मत लगाना, पतला सा, सिर्फ ये कि दोनों कपड़ों का आपस को ब्लेंड करने के लिए, ठीक है। और इसको ना सिलना पता कहाँ तक, मतलब घुटने से ऊपर ही रखना, तो जब पीछे से भी गोल बनाओगे ना तो जैसे आगे से चौड़ा रखोगे ना तो पीछे से भी उतना चौड़ा तो मिनिमम रखना ही पड़ेगा, उससे चौड़ा तो फिर होएगा नहीं, है ना। तो मस्त एकदम ऐसा अच्छा सा ऐसा स्कूप वाला बनाना चौड़ा, भले गहरा कम डालना अपने कंफर्टेबल के हिसाब से पर चौड़ा बनाना। तो जब ये पीछे करके बनाओगी मैं जो बोल रही थी वो ऐसा तो नहीं दिखना चाहिए, लेकिन फिर कंप्लीट लगेगा ना, यहाँ पे भी पाइपिंग करना। द नेक्स्ट डे पहला ड्राफ्ट रेडी हो गया, इधर घूमो इधर घूमो इधर घूमो, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, पजामा अच्छा लग रहा है और इसमें यहाँ पे पिंक कलर के उससे पाइपिंग करना, हाथ में भी और इसमें भी और पीछे वाले गले में भी,
बाकी ये बढ़िया लग रहा है। नीचे कुछ मत करो, लेस वेस जो हम लगाने का सोच रहे थे ये बढ़िया लग रहा है आपके हिसाब से। ये कर देती हूँ, ये बाजू में थोड़ा सा वो पिंक कलर के कपड़े से ऐसे वो बना दू, वो क्या बोलते उसको One eternity later. अच्छा वो रफल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, छी 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 नहीं। हाँ तो फिर लंबी बना लो, मैंने तो 3/4 कही थी, आधी बनाने को किसने कहा था आपसे? क्या करूँ फिर इसका? 3/4 बना लो। कैसे होगी 3/4? इसमें कपड़ा जोड़ना पड़ेगा, फिर पिंक कलर का ही जोड़ दो थोड़ा। मतलब पिंक कलर का जोड़ना क्यों पड़ेगा? कपड़ा छोटा है ना वो। वैसे ऐसे भी अच्छा लग रहा है आप पे। इतना पिंक जोड़ दो इतना। मम्मी गंदा लगेगा वो। नहीं पूरा वो कॉलर जैसा दिखेगा, वो कॉलर टाइप में। एक बार मतलब अगर अच्छा नहीं लगा तो हट सकता है फिर, क्योंकि पहली बात तो वो कपड़ा भी अलग है ना, वो सैटिन आ जाएगा। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मतलब पहले मुझे लग रहा था कि इनकम्प्लीट लगेगा तो थोड़ा कुर्ते में पिंक का कुछ करना पड़ेगा, पर ये अच्छा लग रहा है इसमें, अब आप वो मत करो। पर हाँ गले में पाइपिंग करो, इनकम्प्लीट लग रहा है गला। नाउ दैट द स्टिचिंग इज ऑल डन, सारे फाइनल टचेस हो चुके हैं, नाउ लेट्स डू हर मेकअप फर्स्ट एंड देन वील रिवील द आउटफिट। सो दिस इज द मेकअप ऑल डन। इतनी ठंड में हीटर लगा के कपड़े बदले जा रहे हैं। अब मम्मी बोलो, एक लाइक तो बनता है इतनी ठंड में आप गर्मी के कपड़े पहन रहे हो तो एक लाइक तो बनता है, नहीं बनता? तो बोलो ना मुझे, नहीं इनको बोलो, लाइक बनता है। गुड। So yes, this was all for the outfit from scratch. I hope आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थोड़ा हम लोगों ने इस बार सिंपल किया, अगर आप लोगों को ऐसे टाइप का वीडियो अच्छा लगेगा तो हम नेक्स्ट टाइम थोड़ा और हैवी टाइप्स में करेंगे। क्या बोलना चाहोगी ऑडियंस को इतनी ठंडी में? मम्मी ने लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बता रहा कि मम्मी कैसी लग रही है, और इतनी ठंडी में इतना मम्मी ने ऐसे शूट किया है तो एक लाइक तो पक्का बनता है। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू सुपर सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय। हैप्पी लोहड़ी बोलो। हैप्पी लोहड़ी।